प्रकाश नामी एक साइंटिस्ट एलियंस पर रिसर्च कर रहा था। तब उसे पता चलता है कि एलियंस का स्पेसशिप हमारे प्लेनेट के बहुत करीब आ चुका है और वो शहर की सुरक्षा टीम के पास जाता है और उन्हें एलियंस के बारे में सब बताता है और कहता है, सर मुझे इन एलियंस से निपटने के लिए एक रोबोट बनाने की अनुमति दी जाए और कुछ सामान की भी मांग करता है। ये सब सुनकर सुरक्षा टीम में हलचल सी मच जाती है और एक ऑफिसर कहता है, अरे ये क्या मजाक लगा रखा है, एलियंस और हमारे प्लेनेट पर, ये सब इसकी चाल है, ये असल में खुद एक रोबोट बनाना चाहता है इसलिए ये सब ड्रामा कर रहा है। तब एक दूसरे ऑफिसर ने कहा, प्रकाश बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो एलियंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं, हमें अपनी सुरक्षा के लिए ये रोबोट बनाना चाहिए। अपने दोनों ऑफिसर्स की बातें सुनकर उनका बॉस कहता है, हमें इस बात को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अगर सच में वो एलियंस हमारे प्लेनेट पर आ गए तो हम इंसान उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, ये रोबोट अब हमारी जरूरत बन चुका है। तब वो प्रकाश से कहते हैं, तुम्हें जो जो चीज चाहिए वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, बस तुम्हें किसी तरह से एक ऐसा रोबोट बनाना होगा जो इन एलियंस को खत्म कर सके। ये सुनकर प्रकाश ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं एक एडवांस रोबोट बनाऊंगा जो सब एलियंस पर भारी होगा। प्रकाश उनसे एक आरसी हेलीकॉप्टर की मांग करता है, उसकी लैब में एक आरसी हेलीकॉप्टर को लाया जाता है। प्रकाश दिन रात मेहनत करके उस हेलीकॉप्टर पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिससे वो हेलीकॉप्टर एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हेलीकॉप्टर रोबोट का सारा कंट्रोल एक रिमोट कंट्रोल में था, वो रिमोट कंट्रोल प्रकाश के पास होता है। वहां एलियंस का शिप शहर की एक खाली जगह पर उतरता है, उसमें से दो बड़े बड़े खतरनाक एलियंस बाहर निकलते हैं, वो देखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। तब सुरक्षा टीम का ऑफिसर कहता है, देखा मैंने कहा था ना, प्रकाश ठीक कह रहा है, अब वो एलियंस हमारे शहर में आ चुके हैं, अब उनको सिर्फ प्रकाश का हेलीकॉप्टर रोबोट ही रोक सकता है। प्रकाश अपने हेलीकॉप्टर रोबोट में एक एडवांस चिप लगाता है, जिससे वो रोबोट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। एलियंस के आने से पूरे शहर में खलबली मच गई थी, इन एलियंस को देखकर लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। तब वहां खड़ा एक आदमी कहता है, अरे बाप ये तो सचमुच एलियंस हैं। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ये हमारी दुनिया को नष्ट कर डालेंगे। ये सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, अरे बस बाबू, अब इन एलियंस को तो हमारा हेलीकॉप्टर रोबोट ही रोक सकता है। उन एलियंस को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर रोबोट उनके सामने आता है। तब एक एलियन ने कहा, सुनो रोबोट, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, हमारी लड़ाई इंसानों के साथ है। ये सुनकर रोबोट ने कहा, मुझे इन्हीं इंसानों ने अपनी रक्षा के लिए बनाया है, मैं तुम्हें यहाँ तबाही नहीं मचाने दूंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनते ही एलियंस रोबोट पर हमला कर देते हैं। हेलीकॉप्टर रोबोट अकेला था और एलियंस तादाद में ज्यादा, इसलिए एलियंस के मुकाबले में वो कमजोर होने लगा था। इस बात का पता प्रकाश को चलता है और वो कहता है, सर हमें हेलीकॉप्टर रोबोट को वापस बुलाना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सुरक्षा टीम का हेड कहता है, अरे ये तुम क्या कह रहे हो प्रकाश, ये हेलीकॉप्टर रोबोट हमारी आखिरी उम्मीद है। तब प्रकाश ने कहा, हेलीकॉप्टर रोबोट हमारी आखिरी उम्मीद नहीं है, हमारी आखिरी उम्मीद है ऑप्टिमस प्राइम, जो कि सालों से एक रोबोटिक जेल में बंद पड़ा है। तब ऑफिसर ने गुस्से से कहा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ऑप्टिमस प्राइम हमारे शहर के लिए इन एलियन से भी बड़ा खतरा है, नहीं नहीं मैं उसे लाकर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तब प्रकाश ने कहा, सर हमारे पास एलियन से लड़ने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, हमें ऑप्टिमस प्राइम की जरूरत है, मैं इसमें अपनी एक चिप लगाकर उस पर कंट्रोल कर सकता हूँ, फिर वो पूरी तरह से हमारे ही कंट्रोल में होगा। प्रकाश के ये कहने पर सुरक्षा टीम का हेड ऑप्टिमस प्राइम को एक्टिव करने का ऑर्डर दे देता है। वहाँ वो एलियंस शहर को तबाह करने में लगे हुए थे और लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है। तब एक आदमी कहता है, अरे हेलीकॉप्टर रोबोट भी इन एलियंस के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सका, हम तो इंसान हैं, आखिर इन एलियंस से कैसे बच पाएंगे। तब वहां खड़ा दूसरा आदमी उसे बताता है, अरे तुमने न्यूज नहीं सुनी, ऑप्टिमस प्राइम रोबोट अब बदल गया है और हम सबकी जान बचाने वाला है।
प्रकाश ऑप्टिमस प्राइम रोबोट को अपनी लैब में लेकर आता है और उसे अपने कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश करते रहता है। प्रकाश ऑप्टिमस रोबोट में अपनी बनाई हुई सुपर चिप लगाता है जिससे ऑप्टिमस रोबोट फिर से एक्टिवेट हो जाता है और कहता है, बोलो साइंटिस्ट, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब प्रकाश ने कहा, कुछ एलियंस हमारे प्लेनेट को तबाह करने के लिए आए हुए हैं, तुम्हें जाकर उनको खत्म करना होगा। तब ऑप्टिमस रोबोट ने कहा, ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। इस बार ऑप्टिमस प्राइम पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। वहाँ एलियंस को भी सिग्नल मिल जाता है कि एक और रोबोट उन्हें रोकने के लिए आ रहा है, इसलिए वो अपने एक और साथी को बुलाते हैं। प्रकाश भी बहुत समझदार था और वो हेलीकॉप्टर रोबोट का रेस्टोरेशन करने लगता है। वहाँ ऑप्टिमस प्राइम का सामना बहुत सारे एलियन से होता है, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम एलियन से कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए भरपूर तरीके से उनका मुकाबला कर रहा था। हेलीकॉप्टर रोबोट भी फिर से पहले की तरह मजबूत बन चुका था। Now you are dead. इसलिए वो ऑप्टिमस प्राइम का साथ देने के लिए उन एलियंस से लड़ने लगता है। दोनों पावरफुल रोबोट मिलकर उन एलियंस का खात्मा कर देते हैं। अब हेलीकॉप्टर रोबोट के साथ साथ ऑप्टिमस प्राइम रोबोट भी शहर का हीरो बन चुका था। अब मौत का खतरा टल चुका था। ये देखकर शहर के लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। हम पूरा गांव में दिन दहाड़े चोरियां की जा रही थी। चोरी करने वाला एक ऐसा मुजरिम था जो चोरी करने के बाद ऐसे गायब हो जाता कि उसके बारे में पुलिस भी पता नहीं लगा सकती थी। सभी गांव वाले बहुत परेशान थे कि अब इस चोर का क्या किया जाए। एक दिन गांव वाला कहता है, मुझे तो ये चोर मिस्टर इंडिया लगता है जो दिन दहाड़े आकर चोरी कर जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। ये सुनकर वहाँ खड़ा दूसरा आदमी कहता है, अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इस चोर ने तो सबकी नाक में दम कर रखा है, पता नहीं सबके पीछे आखिर कौन है। कुछ दिन बाद उस गांव में अर्जुन नाम का एक साइंटिस्ट रहने के लिए आता है। गांव का सरपंच अर्जुन नाम के साइंटिस्ट के पास जाकर कहता है, अरे साहब, आप शहर से इस गांव में रहने के लिए क्यों आए हैं। तब अर्जुन कहता है, मैं शहर से एक खास रिसर्च करने के लिए यहां पर आया हूं। मैंने सुना है गांव में बहुत शांति होती है, इसलिए मैंने काम करने के लिए ये जगह चुनी है। ये सुनकर सरपंच कहता है, अरे साहब, यहाँ कोई शांति नहीं है, क्योंकि हमें एक चोर ने परेशान कर रखा है। वो यहाँ दिन दहाड़े चोरी कर जाता है, लेकिन किसी को नजर तक नहीं आता। ये सुनकर साइंटिस्ट कहता है, फिर तो मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ, अब मैं देखता हूँ कि वो चोर इस गांव में किस तरह चोरी करता है। साइंटिस्ट उसी गांव में अपनी एक लैब बनाता है और अपनी रिसर्च करना शुरू कर देता है। लेकिन ये क्या, रात के समय वो चोर आकर अर्जुन की लैब में भी चोरी कर जाता है। अगली सुबह सरपंच अर्जुन के पास आकर कहता है, मैंने आपसे कहा था ना, वो चोर कोई मामूली चोर नहीं है साहब। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे थे, वो चोर बहुत शातिर है। जैसे ही वो चोरी करने के लिए आया, मेरी लैब के सारे सीसीटीवी कैमरा भी बंद पड़ गए। इसका मतलब ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये कुछ और है। अब मुझे इस चोर का पता लगाना ही होगा। तब से अर्जुन उस चोर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उस चोर के बारे में पता लगाना। असल में वो चोर कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक ट्रक रोबोट था, इसलिए आज तक पुलिस उस चोर को पकड़ नहीं पाई थी। असली चोर ये रोबोट नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपा एक गद्दार साइंटिस्ट था, जिसका नाम कुमार होता है। कुमार अपनी लैब में बैठकर उस ट्रक रोबोट को कंट्रोल करता था। गांव में होने वाली हर चोरी के पीछे एक गद्दार साइंटिस्ट था, और चोरी करने वाला इस बार कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट था, इसलिए आज तक पुलिस उस चोर को पकड़ नहीं पाई थी। लेकिन इस बार पुलिस के साथ साथ अर्जुन साइंटिस्ट भी उस चोर को पकड़ने में लग चुका था। अर्जुन अपनी लैब में काफी रिसर्च करने के बाद उस चोर रोबोट का पता लगा लेता है। तब अर्जुन कहता है, अरे बाप रे बाप, ये चोर तो एक रोबोट निकला,
इसका मतलब है रोबोट के पीछे जरूर किसी बुरे साइंटिस्ट का हाथ होगा, इसलिए मुझे भी एक रोबोट बनाना होगा। अर्जुन उस चोर रोबोट को रोकने के लिए सुपर रोबोट बनाना शुरू कर देता है। काफी मेहनत के बाद अर्जुन का सुपर रोबोट रेडी हो चुका था और वो उसे लेकर गांव में जाता है। तब से सुपर रोबोट पूरे गांव की हिफाजत करने लगता है। एक रात अचानक ट्रक रोबोट गांव में चोरी करने के लिए आ जाता है। तब ट्रक रोबोट का सामना अर्जुन के सुपर रोबोट से होता है। ट्रक रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो अर्जुन के रोबोट को खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी अर्जुन हार नहीं मानता। ट्रक रोबोट उस रोबोट को खत्म करने के बाद एक जंगल की तरफ जाने लगता है। ये देखकर अर्जुन ने कहा, ये रोबोट मुझे जरूर उस इंसान तक ले जाएगा जो इसको कंट्रोल कर रहा है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। अर्जुन चुपके से ट्रक रोबोट का पीछा करने लगता है। ट्रक रोबोट चलते चलते जंगल में एक लैब के अंदर चला जाता है। ये देखकर अर्जुन कहता है, अच्छा तो वो गद्दार साइंटिस्ट यहाँ छुपा बैठा है, चलो अब मुझे इसका ठिकाना तो मालूम हुआ। अर्जुन उस गद्दार साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए पुलिस कमिश्नर के पास जाता है और उसे गद्दार साइंटिस्ट और सुपर चोर ट्रक रोबोट के बारे में सारी बात बताता है। तब पुलिस कमिश्नर कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं अभी वहाँ पर स्पेशल फोर्स को भेजता हूँ। कुछ ही देर में स्पेशल फोर्स उस गद्दार साइंटिस्ट कुमार की लैब के पास पहुँच जाती है और उसकी लैब को चारों तरफ से घेर लेती है। कुमार अपनी लैब में खड़ा ये सब देख रहा था। तब वो अपने ट्रक रोबोट से कहता है, जाओ ट्रक रोबोट और सबको खत्म कर दो। ट्रक रोबोट लैब से बाहर आता है और पुलिस की भेजी हुई गाड़ियों को तबाह करने लगता है। ये देखकर कुमार घमंड से कहता है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अब अमर हो जाऊंगा। पुलिस कमिश्नर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, इसलिए वो अर्जुन से कहता है, अरे इस रोबोट का तो स्पेशल फोर्स भी कुछ नहीं कर पाई, हम लोग आम इंसान हैं और वो रोबोट, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अर्जुन तुम एक महान साइंटिस्ट हो, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। ये सुनकर अर्जुन कहता है, ठीक है सर, लेकिन मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। अर्जुन अपनी लैब में कुछ सामान मंगवाता है और अपनी लैब में एक ट्रैक्टर भी लेकर आता है। तब पुलिस कमिश्नर उस ट्रैक्टर को देखकर कहता है, अरे अर्जुन तुम इस ट्रैक्टर का क्या करने वाले हो। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, सर उस गद्दार साइंटिस्ट के पास एक ट्रक रोबोट है, जरूर उसने एक ट्रक को ही रोबोट में ट्रांसफॉर्म किया होगा, इसलिए उसका ट्रक रोबोट इतना शक्तिशाली है। अब मैं भी इस ट्रैक्टर को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करूंगा। तब से अर्जुन उस ट्रैक्टर को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। आखिर कुछ दिन बाद अर्जुन एक जायंट ट्रैक्टर रोबोट बना ही लेता है। अर्जुन अपने ट्रैक्टर रोबोट को लेकर कुमार की लैब की तरफ जाता है। तब कुमार ट्रैक्टर रोबोट को देखकर कहता है, अरे ये क्या, ये तो किसी ने मेरे ट्रक रोबोट की तरह ही रोबोट तैयार किया है। इसलिए कुमार अपने ट्रक रोबोट को कहता है, जाओ ट्रक रोबोट और इस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर दो। ट्रैक्टर मॉन्स्टर और ट्रक रोबोट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों पावरफुल रोबोट में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्जुन ने इस बार अपने ट्रैक्टर रोबोट में एक पावरफुल चिप लगाई थी, जिसकी वजह से वो ट्रक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ट्रक रोबोट के खत्म होते ही वहाँ पुलिस आकर गद्दार साइंटिस्ट को पकड़ लेती है।